तो आइए आज पालक के साथ हम एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाएंगे, जो ना ही पहले आपने कभी खाई होगी, ना ही पहले आपने कभी ये देखी होगी। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पालक लिया है, जिसे अच्छे से धो के मैंने कट करके ले लिया है। इसके साथ अब हम यहाँ पे लेंगे अरहर की दाल। ये मैंने 3 स्पून के करीब अरहर की दाल धो के ले ली है। ये जो मेजरमेंट मैंने बताया है, ये 3 से 4 लोगों के लिए ये दाल मैं बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे एक कुकर लेंगे। कुकर के अंदर सबसे पहले हम ये पालक डाल देंगे, उसके साथ ये अरहर की दाल डाल देंगे। इसके साथ यहाँ मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल दे। पूरा नमक सब्जी में जितना लगेगा सारा इसी स्टेज पे डाल देना है। और इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे हींग। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें इसकी मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी लगा के ले लेनी है। अब तब तक हम यहाँ तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 स्पून के करीब देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी और बटर में अगर आप ये बनाओगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। वैसे आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1/2 स्पून जीरा डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर मीडियम साइज़ का 1 प्याज मैंने बारीक चॉप करके डाला है। ये देखिए काफ़ी बारीक मैंने इसे कट किया है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए इसके अंदर डाल देंगे 1 स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करके ले लें, जब तक अदरक लहसुन का जो कच्चा टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, वो चला ना जाए। अब इसके बाद इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे बारीक कट करके मैंने डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स करके ले लें। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये 3 सूखी लाल मिर्चें। इसके बाद इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 स्पून के करीब हल्दी, 1 स्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/2 स्पून के करीब इसके अंदर डाल देंगे जीरा पाउडर। इसके बाद यह लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 स्पून डाल दिया है। 1/2 स्पून के करीब मैंने यह किचन किंग मसाला डाला है। इस सबको अच्छे से मिक्स करके ले ले। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो ये मसाले हैं वो जले नहीं। अब तब तक यहाँ पे जो हमने ये दाल और पालक कुकर में पकाया था उसको ऐसे पाव भाजी का जो मैशर होता है उसकी मदद से इसे हल्का सा हम मैश करके ले लेंगे। यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पापड़। जी हाँ, ये पापड़ इस सब्जी का पूरा टेस्ट और फ्लेवर ही चेंज कर देगा। ये मैंने फ्राइड पापड़ लिया है। जो नॉर्मल मार्केट में पापड़ मिलते हैं उसको बस मैंने तल के ये इसके अंदर मैंने 5 से 6 पापड़ पूरे डाल दिए हैं। आप रोस्ट करके भी पापड़ डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे फ्राई किया है, आप रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके ले ले। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के साथ कोट हो जाइए। उसके बाद इसके अंदर हम ये दाल और पालक डाल देंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब इसे एक उबाला आने तक लो फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए जैसे एक हल्का सा उबाला आ जाए हमें गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है। और जैसे पूरा उबाला आ जाए हमें गैस बंद कर देना है। इसे पकाना नहीं है, हमने सब कुछ पका के लिया है। और अब इसे सर्व कर लेंगे हम। ये देखिए इतना ये डिलीशियस लग रहा है। इसे आप पराठा, रोटी, चावल किसी के भी साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।